सबसे बड़ा सोनालिका हैवी ड्यूटी धमाका रिटर्न। साक्षी ट्रैक्टर वीरेंद्र पूनम पटेल सागर। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम, राजघाट रोड टिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। अशोकनगर जिले के ज्वाइंट कमिश्नर बीएस मंडलोई शनिवार को जिले के मुगावली के ग्राम पंचायतों में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामों के विकास की जानकारी ली। वहीं अपने दौरे में उन्हें जहां कमी नजर आई उसको जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्राम पठारी में लोगों के द्वारा सड़क निर्माण की बात कही गई, वहीं कई जगह पुलियों का निर्माण अधूरा डला है, जिससे बारिश के समय भारी परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है, जिसको आरईएस द्वारा जल्द पूरे करे जाने की बात कही गई। कई ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है और रोजगार सहायक हमारी कोई बात नहीं सुनता है। वहीं जब भी ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है तो हमारे खाली कागजों पर दस्तखत करा लिए जाते हैं। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर ने महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्दी आपको पीएम आवास का लाभ भी दिला दिया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ जनपद सीईओ जितेंद्र जैन, आरईएम, एसडीओ माहौर सहित इंजीनियर और पंचायत सचिव मौजूद रहे। आज मेरा रूटीन का विजिट था अशोकनगर जिले की मुगावली ग्राम जनपद पंचायत पर। ये ग्राम पंचायत अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ, ये ग्राम पंचायत पठारी है। पठारी में यहाँ पे ग्रामीणों से बात की मैंने, जो रोड मंडरागा की चल रही है दो पार्ट में, तो उसमें एक बीच में पुलिया है, पुलिया में अभी पाइप लगना बाकी है और आगे सेकेंड पार्ट में पानी कहीं ठहर जाता है तो उसको उसकी निकासी बनाने की ज़रूरत है, वहाँ भी पाइप लगेंगे। तो ये आपके जो एजेंसी निर्माण एजेंसी से बात की मैंने, तो इन्होंने बताया कि एक दो दिन में काम चालू कर देंगे। तो ग्रामीणों की मुख्य मांग ये है कि ये काम हो जाए, ताकि ये पुलिया बारिश के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों आने जाने में, तो ये काम हो जाएगा। और बाकी जगह हम लोग काम अपने विभाग के जो काम स्कीम है उनकी सारी स्कीम की जान देख रहे, काम देख रहे हैं और लगभग ठीक मिल रहा काम, और जहाँ कुछ कमी है उसको निर्देश दे रहे हैं पूरा करने के लिए। तो पात्रता देखी जाती है ना, हर जो स्कीम में पात्रता होनी चाहिए, पीएमएवाई में उसमें पात्रता होनी चाहिए। मनरेगा में कपिल धारा दी, उसकी 8 बीघा ज़मीन है तो मिलेगा, ज़्यादा 20 बीघा ज़मीन है तो नहीं मिलेगा हुआ, तो वो पात्रता के हिसाब से ही मतलब वो योजना का लाभ मिलता है। नहीं करना चाहिए, कोरे कागज दस्तखत नहीं करना चाहिए। मेरा अनुरोध है गाँव ग्रामवासियों से, ग्राम सभा के लोगों से भी और पंचायत के लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसे कोरे कागज पर कोई भी दस्तखत नहीं करें। पंचायत की बाकायदा बैठक हो और बैठक होने के बाद ही दस्तखत करें प्रोसीडिंग पे, ये मेरा सबसे अनुरोध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुगावली से अनुज जैन, सागर टीवी न्यूज। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम। लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सीसीटीवी कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम, राजघाट रोड तिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495, 7000483881, 8817368143।